हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वड्डी सेड। एंड इफ यू न्यू इन माय चैनल, हाय, आई एम डिंपल एंड आई एम अ टैरो कार्ड रीडर, न्यूमेरोलॉजिस्ट एंड एस्ट्रोलॉजर। आज ये लास्ट वीडियो है जब हम बात करेंगे डेट ऑफ बर्थ के बारे में। एंड आज हम बात करेंगे अबाउट द पीपल रूल्ड बाय नंबर 9, यानी कि जिनकी डेट ऑफ बर्थ होती है 9th, 18th और 27th ऑफ एनी मंथ। अगर आप किसी भी महीने की इन तीनों डेट्स में से बॉर्न हैं, देन आपका रूलिंग नंबर है 9, विच मीन्स कि आपका रूलिंग प्लैनेट है मार्स। मार्स बहुत ज़्यादा एग्रेसिव प्लैनेट होता है, इट इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट एज वी ऑल नो। मार्स के जो ट्रेट्स होते हैं वो होते हैं कि ये लोग हमेशा लड़ने के लिए तैयार होते हैं एंड इनमें बहुत स्ट्रेंथ भी होती है। दे माइट नॉट शो देयर इमोशनल साइड्स मैनी टाइम्स, इनकी इमोशनल साइड बहुत ज़्यादा छुपी हुई होती है, ये बिल्कुल भी अपनी इमोशनल साइड को एक्सप्रेस नहीं करते एंड ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। लड़ने के लिए तैयार से मतलब है चाहे वो किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन से लड़ने की बात हो या किसी इंसान से लड़ने की बात हो, ये लोग हमेशा आगे रहते हैं। इनके अंदर बहुत गुस्सा होता है। अब ये अपने गुस्से को दो तरह से चैनलाइज कर सकते हैं, या तो अपने काम में अपने गुस्से को इन्वेस्ट कर दें, या तो पॉजिटिव चीज़ों में अपने आप को इन्वेस्ट कर दें, ठीक है। एंड या फिर अगर ये काम नहीं करते हैं या इनका पैशन काम में नहीं लगता है, तो काफ़ी बार होता है कि ये रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, ये हर दूसरे बंदे पे एग्रेसिव हो जाते हैं। इनका नेचर काफ़ी ज़्यादा लड़ाकू टाइप का हो जाता है एंड बिकॉज मार्स में ईगो भी थोड़ा ज़्यादा होता है, तो इनको ईगो जल्दी हर्ट कर जाता है। अगर ये सामने वाले के साथ अच्छे हैं तो ये बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बट अगर इनको सामने वाले ने हर्ट किया, इनके साथ कुछ गलत किया, तो ये सामने वाले को डिस्ट्रॉय करने से पहले भी नहीं सोचेंगे, ये जल्दी पीछे हटते नहीं हैं किसी के लिए भी। उसके बाद अगर हम मार्स की बात करें तो इनको ईगो अपना थोड़ा कंट्रोल में रखना चाहिए, उनके लिए अच्छा रहेगा। एंड जहाँ तक प्रोफेशन की बात है, तो क्योंकि इनमें गुस्सा ज़्यादा है, इनके लिए प्रोफेशन अच्छा रहता है आर्मी का, आईएएस ऑफिसर का, या फिर पुलिस में जाने का, या अगर आप इनमें से किसी भी फील्ड में नहीं हो देन इट्स टोटली फाइन, आप कुकिंग में भी जा सकते हो एंड खाने से रिलेटेड, मसालों से रिलेटेड किसी भी काम में जाओगे तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। और जो आपके लिए एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप इनमें से किसी भी प्रोफेशन में नहीं हो तो आपके लिए अच्छा रहेगा कि आप जिम ज्वाइन कर लो, तो जो वो आपका एग्रेशन है ना आपके अंदर, वो जिम में निकल जाएगा एंड जो वो आपका प्लैनेट है अब वो आपके लिए पॉजिटिवली वर्क करने लगेगा। इंस्टेड कि आप इस एग्रेशन को नेगेटिव वे में वर्क करने दो, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा कि आप जिम ज्वाइन करो, आप वर्कआउट करो, जितना ज़्यादा कर सकते हो उतना ज़्यादा करो, क्योंकि जिम में भी हमें पूरा एग्रेशन चाहिए होता है। इसीलिए आप अगर चाहते हो कि आपका प्लैनेट आपके लिए पॉजिटिवली वर्क करे एंड आपका गुस्सा, आपका ईगो आपको नेगेटिवली हार्म ना करे, आपको नेगेटिव इफ़ेक्ट्स ना दे, तो आपके लिए ये रेमेडी है एंड साथ ही आपके लिए काम भी है कि आपको जिम ज्वाइन करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपके लिए प्लैनेट आपका नेगेटिवली वर्क कर रहा है, तो आप रेमेडीज़ कर सकते हो, जैसे कि हनुमान जी को लाल चोला चढ़ाना, लाल मोली पहनना, चींटियों और गाय को गुड़ खिलाना, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा एंड पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स लाएगा आपके लिए अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील कर रहे हो या बहुत ज़्यादा लेज़ी फील कर रहे हो, क्योंकि जिन लोगों का रूलिंग प्लैनेट 9 होता है ये मोस्टली लेज़ी नहीं होते, काफ़ी एक्टिव होते हैं एंड काफ़ी ज़्यादा काम इनको करते रहना होता है कि इनको सारे काम कंप्लीट करने होते हैं अपने फटाफट से, तो इसलिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए ये रेमेडीज़ करना। देन हम बात करते हैं इनके लकी कलर्स की। इनके लिए लकी कलर होता है रेड एंड इनके लिए अनलकी कलर होता है वाइट या एनी लाइटर शेड। मतलब इनको रेकमेंड करना चाहिए कि अगर ये रेड कलर अगर आप व्यर नहीं कर रहे हैं देन आप कैरी कर सकते हैं अपने साथ रेड कलर, एंड अगर आप रेड कलर का वॉलेट कैरी करते हैं तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, आपके लिए अबंडेंस लाएगा, पॉजिटिविटी लाएगा, लक लाएगा आपके लिए। जितना हो सके आपको वाइट या लाइटर शेड्स को अवॉइड करना चाहिए। अगर आप हमेशा नहीं अवॉइड कर सकते हो, बिल्कुल नहीं बंद कर सकते हो, तो आप
ये कर सकते हो कि आप ऑस्पिशियस और इम्पॉर्टेंट डेज पे वाइट को ना पहने, लाइट कलर्स को ना पहने, तो वो आपके इम्पॉर्टेंट और ऑस्पिशियस डेज में ऑब्स्टिकल्स नहीं क्रिएट होने देगा एंड आपके काम आराम से बन जाएंगे। देन हम बात करें अगर इन सारी डेट्स की अलग अलग, तो अगर हम 9 की बात करें तो सारे ट्रेड्स पॉजिटिव नेगेटिव सेम ही रहेंगे जैसे हमने पूरी वीडियो में बात करी है। देन हम बात करें अगर 18 की, 18 जिन लोगों का डेट ऑफ बर्थ होता है ये लोग काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं क्योंकि इनके पास सैटर्न भी है, इनके पास सन भी है, देन इनके पास मार्स भी है, तो बहुत ही ज़्यादा काइंड ऑफ एग्रेसिव हो जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा ये ईगोइस्टिक हो जाएंगे, बट ये बहुत प्रैक्टिकल भी होंगे। 1 और 8 साथ होने से कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी क्योंकि 1 और 8 सन एंड सैटर्न आर टोटली अपोजिट प्लैनेट्स, बट बिकॉज मार्स है तो इसलिए ये काफ़ी कॉन्फिडेंट होंगे। अगर आप कॉन्फिडेंट रहोगे तो आपके लिए आपके सारे काम ईजी होंगे एंड आराम से बनेंगे। जहाँ आपने अपने कॉन्फिडेंस पे या अपने आप पे डाउट किया वहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने लग जाएंगी, काफ़ी ज़्यादा आपको नेगेटिव इन्फ्लुएंस होगा। देन हम बात करते हैं 27 के बारे में। 27 मतलब मून, केतु एंड देन मार्स। मून एंड केतु अगेन काफ़ी ज़्यादा इमोशनल कर देते हैं, बट क्योंकि हमारे पास मार्स भी है तो थोड़ा सा बैलेंस बना रहेगा प्रैक्टिकल एंड इमोशन में, बट स्टिल काफ़ी टाइम्स इनका जो प्रैक्टिकल साइड है वो डाउन पड़ जाएगा, काफ़ी टाइम ये बहुत इमोशनल हो जाएंगे, काफ़ी टाइम ऐसा होगा कि या तो इनका ईगो आगे आ जाएगा, ठीक है। तो इन्हें अपने ऊपर वर्क करना चाहिए, इन्हें अपने हार्ट चक्रा पे वर्क करना चाहिए, इन्हें ग्रीन कलर का भी यूज़ करना चाहिए क्योंकि वो हार्ट चक्रा पे वर्क करता है। ग्रीन वेजिटेबल्स खाने चाहिए, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी आएगी मतलब उससे आप पे, ठीक है। काफ़ी टाइम इनके साथ ये भी होता होगा कि काफ़ी टाइम आप अपने प्लान्स तो बनाते होगे बट आप उनको एग्जीक्यूट नहीं करते होगे क्योंकि द फियर ऑफ अननोन होता है, जिसकी वजह से आप अगर कुछ लॉन्च करने चाह रहे हो या फिर आप कहीं आगे बढ़ना चाह रहे हो किसी भी काम में, तो आपको एक डर लगा रहेगा कि पता नहीं करूं नहीं करूं, मैं सक्सेसफुल होऊंगा नहीं होऊंगा, तो फियर ऑफ अननोन हमेशा बना रहता है इन लोगों में, काफ़ी ज़्यादा रहती है ये चीज़। इसीलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए, एज ए सेड ग्रीन कलर का यूज़ करना चाहिए, बहुत इफ़ेक्टिव रहेगा। एंड आप जब भी पानी पी रहे हैं तो अपना ग्लास उतना ही भरिए जितना आपको पता है कि आप पानी पी लेंगे, आप कभी भी पानी वेस्ट नहीं करेंगे, आपको बहुत नेगेटिव इफ़ेक्ट देगा अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 27 है तो। आई होप दिस हेल्प्स, एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा देन डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।